गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए कई योजनाएं बनी, करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाए गए, लेकिन गंगा मैली की मैली ही रही। लेकिन लॉकडाउन के इस 16 दिन के पीरियड में आप देखिए कि इस वक्त हम गंगा में हैं और यहाँ के इसकी पानी कितनी साफ हो गई है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। पटना का यह दीघा इलाका है, वहाँ गंगा के लहरों के बीच हम हैं और यहाँ आपको दिखाते किस तरीके से पानी बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है, कहीं कोई गंदगी नहीं है और ऐसी गंगा पहले कभी नहीं दिखी थी। इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि लॉकडाउन के दौरान जिस तरीके से पिछले 16 दिनों में गंगा के किनारे कोई नहीं आया, सामग्रियाँ इसमें नहीं गिराई गई पूजा पाठ की, और शायद यही वजह रही है कि आप देखिए किस तरीके से गंगा का पानी बिल्कुल निर्मल हो चुका है। और ये सिर्फ ये गंगा का वो इलाका है जहाँ पे सोन नदी भी इसमें मिलती है और उसके बाद यहाँ पे दो नदियों का संगम है और यहाँ पे आप देखिए कि जहाँ दूर तक नजरें जाती हैं पानी बहुत ही साफ हो चुका है। हमारे साथ हैं पर्यावरणविद हैं डॉक्टर संजय जी, इनसे हम बात करते हैं। सर, ऐसी गंगा पहले कभी नहीं दिखती थी। होता क्या है कि प्रकृति जो है वो चीज़ों को खुद से साफ करती है, तो यहाँ तो सरकारी संस्थाओं ने समय समय पर योजनाएँ बनाई, यहाँ पर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया, सरकार ने कई योजनाएं चलाई, नमामि गंगे परियोजना तो अभी चल ही रही है। लेकिन जब प्रकृति चीज़ों को खुद तय करती है, प्रकृति ने तय कर लिया कि नहीं, हम जो हैं वो जब लॉकडाउन की स्थिति बनी और लोगों ने जो गंगा निकलती है हरिद्वार से लेकर के और कानपुर से होते हुए बनारस से होते हुए जहाँ पटना के घाट पर हम लोग हैं, तो उस स्थिति में चाहे वो वहाँ का फैक्ट्रियाँ हो कानपुर का, या वहाँ का ट्रेनिंग इंडस्ट्री हो, या जो कूड़े कचरे जो मलमूत्र जो गंगे में बहाए जाते थे डाले जाते थे, और ख़ास करके जो किनारे के जो इलाके थे, बार बार ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद भी लोगों ने इसको नहीं समझा और वो अपने तरीके से डालते रहे तो उसका परिणाम हुआ कि ये जो गंगा जो मुक्तिदायिनी कहा जाता था, ये गंगा जो है वो धीरे धीरे प्रदूषित हो गई, और प्रदूषित इतनी अधिक हो गई कि छोड़ दीजिए, ये तो नहाने लायक भी नहीं रही थी। वो गंगा का पानी जो कभी बिल्कुल साफ निर्मल दिखाई पड़ता था, नीला दिखाई पड़ता था, वो गंगा का पानी हम लोग हरा देख पा रहे थे, लेकिन आज देखिए फिर उसकी निर्मल बहाल हुई है। और उसकी निर्मलता के पीछे का जो एक मूल वजह है कि वह जो कचड़ों को जो डाला जाता था, कूड़ों को जो डाला जाता था, मलमूत्र जो गंगा के किनारे त्यागा जाता था, और फैक्ट्रियां जो हैं वो अपना सारा वेस्ट को डालती थी नदियों में, खास करके गंगा में, तो फैक्ट्रियां बंद हैं, चिमनियाँ जो धुआं उगलती थी वो बंद हैं, वो गंगा के किनारे खास करके जिस इलाके में हम लोग हैं, इस इलाके में जो ईंट भट्ठे लगातार काम करते थे और उनके जो राख होते थे, उनके जो वेस्टेज होते थे जो गंगा नदी में डाल दिया जाता था, सारे सरकारी आदेश के बावजूद भी, सारे कोर्ट और हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद भी वो डालना बंद हुआ, और उसी का परिणाम हुआ कि नदियाँ सांस लेने लगी हैं। नदी का भी एक अपना फेफड़ा होता है और हम मनुष्यों ने हम लोग जिस जगह पर हैं यहाँ पर आप देखिए कि वो जो है वो थोड़ा सा आगे जाने के बाद वहाँ पर सोन नदी गंगा में आके मिलती है, तो दो नदियों का संगम है। सोन की भी पानी बिल्कुल साफ़ हो चुका है, यही वजह कि यहाँ पर जो पानी की निर्मलता है वो आप बिल्कुल साफ तौर पर देख सकते हैं। जो काले रंग की पानी यहाँ पर आमतौर पर दिखाई देती थी वो अब बिल्कुल नीले रंग की हो गई है, हरे रंग की हो गई है, और यहाँ पर किस तरह कोई गंदगी इस पानी में नहीं दिख रही है। और यही गंगा, अब उम्मीद करते हैं कि शायद यही गंगा बनी रहे, इसकी निर्मलता बनी रहे। एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं बताऊंगा, ये तो देखने में जो चीज़ें लग रही हैं कि गंगा कितनी साफ हुई है, कितनी निर्मल हुई है, जो इसका जो दूसरा महत्वपूर्ण पार्ट है कि गंगा उन कूड़े कचरों और इंडस्ट्रियल वेस्ट को साफ करने में इसका जो मैक्सिमम ऑक्सीजन होता था वो वेस्ट हो जाता था, जिसको हम लोग बायो ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं, तो वो डिमांड जो पूरा हो जाता था उसको डिकम्पोज करने में। अब गंगा के पानी को अगर टेस्टिंग के तौर पर देखा जाएगा तो टेस्टिंग के तौर पर देखेंगे तो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा काफी अधिक मिलेगी। वो ऑक्सीजन की मात्रा जो घट करके बहुत कम हो गई थी, जो उसमें गंगा में जो रहने वाले जलीय जीव थे जिनको वो ऑक्सीजन नहीं मिल पाता था, अब मैं समझता हूं कि जलीय जीव भी जो हैं वो ठीक से सांस ले रहे होंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये केवल हम बिहार की अगर बात कर लें
तो वहाँ से लेकर के बक्सर के चौसा से लेकर भागलपुर के 31 घाटों का जब टेस्टिंग कराया गया था कुछ दिन पहले ही, तो उस 31 घाटों में मिला था कि 100 मिलीलीटर में जो कॉलीफॉर्म टोटल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया है जो 500 होना चाहिए था 5,000 मिला था। अब सोच लीजिए कि जो 500 का आंकड़ा 5,000 पहुंच रहा था, वो गंगा की क्या स्थिति रही होगी। तो ये गंगा न केवल अब ऑक्सीजन दे रही है अपने जलीय जीवों को, ये गंगा जिनका टोटल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया का जो आंकड़ा है वो हो गया, और ये हुआ है लॉकडाउन की वजह से। बिल्कुल, लॉकडाउन का यह एक साइड इफेक्ट है, केवल निगेटिव चीज़ें नहीं हैं, कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं। और ये गंगा की निर्मलता इस बात की गवाही दे रही है कि सिर्फ गंगा के किनारों को साफ करने से, सौंदर्यीकरण से नहीं होगा, बल्कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि गंगा के में जो गिरने वाली जो कारखानों की गंदगी है, जो मलमूत्र जो गिरते हैं वहाँ पे, उसकी सफाई अगर की जाए तो गंगा की निर्मलता बनी रहेगी। ये एक सबक है जो इस लॉकडाउन के दौरान गंगा के पानी को देखने से साफ तौर पर पता चलता है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24।